हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग 10 ऐसे रेलवे स्टेशन की बात करेंगे जो बिहार में सबसे ज़्यादा बड़ा और फेमस रेलवे स्टेशन है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से वो 10 रेलवे स्टेशन है। तो हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे है सोनपुर रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन बिहार में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। सोनपुर वैसे तो सारण जिला में पड़ता है, लेकिन ये हाजीपुर रेलवे स्टेशन के नज़दीक स्थित है। इसके प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई 738 मीटर है और ये एक रेलवे स्टेशन होने के साथ साथ पूर्व मध्य रेल जोन का एक मंडल भी है। दूसरे नंबर पर है पटना साहिब रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन से भी पुराना है। आज इसे बने हुए लगभग 162 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है। ये रेलवे स्टेशन पंजाबी भाइयों में ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा स्थित है। यहीं उनका जन्म हुआ था। इस स्टेशन पर लगभग 125 ट्रेनों का ठहराव रहता है। तीसरे नंबर पर है पटना जंक्शन। ये भारत का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में शामिल है। लगभग 173 ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन के माध्यम से शुरू होती है। बिहार के साथ साथ देश में भी सबसे अधिक राजस्व देने वाला रेलवे स्टेशन में पटना रेलवे स्टेशन शामिल है। चौथे नंबर पे है गया जंक्शन। गया पूर्व मध्य रेल जोन के दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के अंदर आता है। हावड़ा और न्यू दिल्ली को जोड़ने वाली रेल ग्रैंड कोर्ड रेल लाइन गया से ही होकर गुजरता है। ये रेलवे स्टेशन ट्रेन के माध्यम से अच्छे तरीके से बहुत सारे शहरों से कनेक्ट है। साथ ही राजधानी पटना के लिए भी यहाँ से रेगुलर ट्रेनें चलती है। गया रेलवे स्टेशन को मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। पांचवे नंबर पे है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर डिवीजन में A1 श्रेणी के अंतर्गत आने वाला ये रेलवे स्टेशन है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे कुल 8 प्लेटफॉर्म है, जिसमें से 5, 6, 7 और 8 मुख्य रूप से सीतामढ़ी, नरकटियागंज, हाजीपुर और रक्सौल से चलने वाली पैसेंजर और कम प्राथमिकता वाली ट्रेनों के लिए है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। वहीं इस रेलवे स्टेशन पे सभी ट्रेनों का ठहराव है जो इस रूट से गुजरती है। मुजफ्फरपुर भारत के अधिकांश शहरों से अच्छे तरह से जुड़ा हुआ है। छठे नंबर पर है दरभंगा जंक्शन। पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत समस्तीपुर रेलवे मंडल के द्वारा संचालित किया जाता है ये रेलवे स्टेशन। दरभंगा जंक्शन भारत के अधिकांश शहरों से रेलवे के माध्यम से अच्छे तरह से कनेक्ट है। दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जाने वाली प्रमुख और व्यस्तम मार्ग है। इसके 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जंक्शन, लहरिया सराय और तीसरे को अच्छे से डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम है काकरघट्टी। यहाँ 1913 में माल ढुलाई के लिए इंग्लैंड से इंजन लाया गया था और दरभंगा राज के लिए लग्जरी ट्रेनें भी चलती थी, जिसका इंजन अब दरभंगा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनी में रख दिया गया है। दरभंगा जंक्शन सीतामढ़ी रक्सौल रेल लाइन, जयनगर रेल लाइन, झंझारपुर सुपौल रेल लाइन, समस्तीपुर सहरसा बरौनी मुजफ्फरपुर रेल लाइन पे पड़ती है। दरभंगा जंक्शन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव पारित है। इसे कुछ समय में बहुत ही अच्छे स्तर पे डेवलप किया जाएगा। सातवें नंबर पे है बरौनी जंक्शन। बरौनी जंक्शन अपने अनोखे प्लेटफॉर्म के लिए भी फेमस है, जिस पे आप एक नंबर प्लेटफॉर्म ढूंढते रह जाएंगे लेकिन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बरौनी रेलवे स्टेशन पे एक नंबर प्लेटफॉर्म बना ही नहीं है। यहाँ न्यू बरौनी जंक्शन के कारण 2 नंबर प्लेटफॉर्म से ही काउंटिंग शुरू होता है। ये रेलवे स्टेशन बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। बरौनी रेलवे स्टेशन का नाम एशिया के सबसे ज्यादा भूमि वाले रेलवे स्टेशन में शुमार है। बरौनी जंक्शन से होकर के नॉर्थ ईस्ट और उत्तर बिहार की बहुत सी ट्रेनें गुजरती है। यहाँ से करीब 1 लाख यात्री रोजाना यात्रा करते हैं। इस जंक्शन को ख्याति तब प्राप्त हुई जब ऐतिहासिक, धार्मिक और मिथिलांचल का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला सिमरिया में गंगा पर राजेंद्र पुल का निर्माण हुआ। आठवें नंबर पे है भागलपुर। इस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की योजना बनाई जा रही है। इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर काम किया जा रहा है।
अभी भागलपुर से एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और पैसेंजर सहित 23 ट्रेनें परिचालित होती है, जबकि भागलपुर से होकर के प्रतिदिन 45 से ज़्यादा ट्रेनें गुजरती है। 9 नंबर पे है कटिहार जंक्शन। ये एक पूर्व मध्य रेल का मंडल भी है, जिसे कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे कहा जाता है। ये रेलवे स्टेशन सीमांचल एरिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। 10वें नंबर पे है समस्तीपुर और हाजीपुर रेलवे स्टेशन। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन होने के साथ साथ एक डिवीजन भी है और हाजीपुर भी एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।